शुरू से ही मैच वन साइडेड लग रहा था, पाकिस्तानी आवाम को इतना अफसोस नहीं होता अगर पाकिस्तान फाइट करके हारता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम नुमान, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बात करूँगी आपसे पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। पाकिस्तान इंडिया का मैच था, हम लोग को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। पाकिस्तानी आवाम को एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। इमोशनली हम लोग एक उसमें होते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और मतलब एक हर तरफ एक गहमा गहमी थी। वीकेंड्स था, सब ने अरेंजमेंट किए हुए थे, बिग स्क्रीन अरेंजमेंट्स था, काफ़ी ब्रांड्स ने इसको काफ़ी मतलब अपग्रेड किया हुआ था, तो हम लोग को भी एक अलग सी एक्साइटमेंट थी। लेकिन वो एक्साइटमेंट हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन होती गई। पाकिस्तानी जो जिस तरह हम लोगों की एक्सपेक्टेशन, उस तरह वो बैट्समैन जिस तरह ग्राउंड में उतरे हैं, स्टार्टिंग में ही इतना कम रन स्कोर करना एक मतलब बिल्कुल डाउन होते जा रहे थे, फ्लो में नहीं थी पाकिस्तानी टीम। क्या चक्कर था, श्रीलंका से इतना अच्छा प्ले किया इन लोगों ने और एकदम से डाउन हो गए, और रन्स एक 200 से अबव चेस करते, टारगेट देते 200 से अबव तक टारगेट देते। 191 टारगेट देना इट्स नॉट अ बिग, मतलब आराम से इंडिया ने चेस कर लिया। मैच देखिए लग रहा था ये कोई आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं है, इंडियन ने एक टूर्नामेंट कराया है, क्योंकि हर तरफ जो है वो ऑडियंस जो है वो इंडियंस थे। पाकिस्तानी शायकीन का कोई नामो निशान नहीं था। अगर पाकिस्तानी आवाम होती, और इसके हारने के पीछे ये भी फैक्टर हो सकता है, अगर पाकिस्तानी आवाम होती तो वो पाकिस्तान को चीयर करती। लेकिन ऑडियंस हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए था, अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, जैसे इंडियंस ने की। इंडियंस नो डाउट इंडियंस क्रिकेट ने बहुत अच्छा खेला है। उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। रोहित की बहुत अच्छी उनकी कैप्टेंसी थी, और जिस तरह बुमराह ने अपनी बॉलिंग की है वो बहुत शानदार थी। शादाब और रिजवान को जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया है, नो डाउट वो बहुत अच्छा खेले हैं, और इसमें उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बुमराह डिजर्व करते हैं मैन ऑफ द मैच, क्योंकि थ्रू आउट द मैच उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, इसलिए वो मैच के की प्लेयर हैं। ओवरऑल मैं आपसे ये कहूँगी कि इंडियंस ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हार जीत तो हर मैच में होती है, एटलीस्ट पाकिस्तान को फाइट करना चाहिए था जीतने के लिए, एफर्ट करनी चाहिए थी। शुरू से ही मैच वन साइडेड लग रहा था, पाकिस्तानी आवाम को इतना अफसोस नहीं होता अगर पाकिस्तान फाइट करके हारता। हमारी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि वो पाकिस्तानी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान लेकर आए। तो हमारी बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तानी टीम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।